डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम पढ़ेंगे पौधों में गति। आज का जो क्लास है ये लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। ये जो पौधों में गति की बात ली गई है ये है जीव विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ से इस अध्याय को लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पौधों में गति का मतलब क्या होता है। अगर हम इस बात पर करें, विचार करें, तो पौधों में वृद्धि के कारण गति होती है, यानी जब पौधा विकास करने का कार्य शुरू करता है, जब पौधों को पाला जाता है यानी शुरुआत शुरू होता है, उस समय से उसका एक वृद्धि यानी उसका विकास शुरू हो जाता है। जरा एक बार सोचिए कि अगर ग्रोथ होता है, उसमें विकास होता है, और विकास होने के बाद आप देखते हैं कुछ दिनों बाद फलियां दिखाई देती हैं, पत्तियां दिखाई देती हैं, तो बीज लगाने से लेकर के और फली आने तक का जो सफर होता है वह पौधों के वृद्धि कहलाता है या पौधों में गति कहलाता है। इसको हम कह सकते हैं पौधे अपनी वृद्धि करने के लिए गति करते हैं और साथ ही अपने आप को उस वातावरण में स्थापित रखने के लिए एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि पौधे अपनी वृद्धि के लिए ही गति करते हैं, साथ ही अपने आप को उस वातावरण में स्थापित रखने के लिए एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। पौधों में गति सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिसे क्रमशः हम ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और दूसरा धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती के नाम से जानते हैं। एक शब्द है पौधों में सूचना का संवहन। जरा सोचिए, अभी इसके पहले आपने सूचना का संवहन पढ़ा था मनुष्य में, जीवों में, तो उसमें तंत्रिका होती है। तो क्या आप जानते हैं कि पौधों में तंत्रिका होती है? तो पौधों में किसी भी तरीका का तंत्रिका नहीं होती है, ना ही इसमें कुछ इसका मस्तिष्क पाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या होता है, अगर पौधों में मस्तिष्क नहीं है, पौधों में तंत्रिका नहीं है, तो फिर इनका संवहन कैसे होता है, पौधे कैसे सूचनाओं को समझ लेते हैं, ये अपने आप में एक अनूठा बात है और सोचने वाला विषय है। तो डियर स्टूडेंट, पौधों में भी सूचना का संवहन होता है, लेकिन यहां पर इसका तरीका दूसरा है। पौधों में जो संवहन होता है सूचना का, वह पौधों की कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। अतः आप कह सकते हैं पौधों में सूचना का संवहन का कार्य पौधों की कोशिकाएं करती हैं। जैसे किसी पौधे को स्पर्श किया तो इसकी सूचना पादप की कोशिकाओं को प्राप्त हो जाती है और पादप उसी के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। तो आपने देखा कि यहाँ जो है सूचना का जो संवहन हो रहा है, वह संवहन किसके द्वारा हो रहा है, कोशिकाओं के द्वारा। किसकी कोशिकाओं के द्वारा? पादप की कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और आगे चले, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जैसे ही आप उसे स्पर्श करते हो तो एक अनुक्रिया होती है, और अनुक्रिया होती है और पौधे की पत्तियां क्या करती हैं, तुरंत सिकुड़ जाती हैं, तुरंत आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जैसे इसको मैंने स्पर्श किया तो जो पत्तियां हैं वो क्या हो गई, ये सिकुड़ गई, और दूसरी पत्तियां अगर थोड़ी देर पहले आप देखो तो वो पत्तियां क्या होती हैं, पूरी फैली हुई होती हैं। तो पादप में ये सिद्ध होता है कि पादप में भी ये संवेदनाएं होती हैं और पादप में भी सूचना का संवहन होता है। अब सूचने के संवहन का ये विधि कैसे होता है, तो सबसे जैसे ही कोई स्पर्श करता है तो पादप की कोशिकाएं उस सूचना को दूसरी कोशिका को प्रेषित करती है, दूसरी, वैसे ये संवहन उनका आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अब जरा समझ लेते हैं पौधों में गुरुत्वानुवर्ती, एक शब्द आया। तो पौधों में गुरुत्वानुवर्ती दो तरह का होता है। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखो, एक पौधा लगाया गया है, गमले में पौधा है, और एक में कुछ जड़ जो है नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और इसकी जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है।
तो अगर जड़ जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है जाता हुआ तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक। क्यों कहलाएगा धनात्मक? क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रहा है। अब जरा सोचो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में कैसे माना जाएगा? अब जब देखो, जब कोई वस्तु आप ऊपर फेंकते हो तो कहां जाती है? नीचे जाती है। तो जब नीचे कोई भी वस्तु फेंको, कोई चीज गिरेगी तब भी वो नीचे जाएगी, ऊपर फेंकोगे तब भी वो नीचे जाएगी। तो जब वो नीचे इसलिए जाती है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो जब पौधों का जड़ गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जाता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो हम इसे क्या कहेंगे कि जब किसी पादप में वृद्धि होती है तो उसमें एक गति भी पाई जाती है। जैसे अब जब कोई पादप वृद्धि कर रहा होता है तो वह अपने जड़ों को जमीन के अंदर की तरफ ले जाता है। इस घटना को धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। क्यों धनात्मक कहते हैं? क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रहा है। परंतु जब पादप की पत्तियों व शाखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध करती हैं, और विरोध करने के बाद, यानी विरोध करने का मतलब क्या, विपरीत दिशा में जाती हैं, तो उस गति को हम कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या दौर है ये है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थों को जरा जान लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहला शब्द है गुरुत्वानुवर्ती। तो डियर स्टूडेंट, गुरुत्वानुवर्ती का मतलब अनुरूप हो। अब ऋणात्मक, कोई आपसे पूछते हैं कि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या है भाई, तो आप सीधा, आपको बोलना है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाएगा? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती की बात करेंगे। तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करना धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहलाता है, ठीक है। इसके बाद से चलेंगे आगे अनुक्रिया। अनुक्रिया शब्द से क्या मतलब है? तो अनुक्रिया क्या है? एक घटना की बाद की अवस्था है। जैसे हमने किसी को स्पर्श किया और स्पर्श करने के बाद क्या हुआ? छुई मुई सिकुड़ गया। तो क्या है? हमने स्पर्श किया, पहले क्या किया? स्पर्श किया, और स्पर्श करने के बाद क्या हुआ? वह सिकुड़ गया। तो वह एक अवस्था, स्पर्श करना, स्पर्श करने के बाद उसका सिकुड़ जाना, वो क्या हुआ? दूसरी अवस्था है। तो इस पूरी घटना को हम क्या बोलेंगे? अनुक्रिया शब्द से संबोधित किया जाता है। उद्दीपन, एक शब्द आता है उद्दीपन। उद्दीपन का सीधा अर्थ होता है प्रेरक, यानी किसी, वह प्रेरक का काम कर रहा है, प्रेरणा, प्रेरणा दे रहा है, या उकसाना, उकसाना, समझ गए, यानी किसी बात के लिए हम फोर्स कर रहे हैं, किसी काम के लिए हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? प्रेरक होता है, ठीक है, वो प्रेरक होता है। अब अगला शब्द आएगा आपका वृद्धि। वृद्धि तो आप जान ही रहे हो, विकास करना, और विकास चाहे जिस तरह से विकास करो, या सकारात्मक विकास करो या नकारात्मक विकास करो। अब विकास भी दो तरह के हो जाते हैं, वृद्धि दो तरह की होती है, एक सकारात्मक विकास हुआ और एक नकारात्मक विकास हुआ। अब जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम में पास हो गए तो आपका विकास कैसा हुआ? सकारात्मक हुआ। और एग्जाम में फेल हो गए तो आपका विकास कैसा हुआ? नकारात्मक हुआ, यानी आप फेल हो गए हो, अब आपकी वृद्धि आगे नहीं होने वाली है, आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ एक गति शब्द आता है। गति का मतलब क्या होता है? तो यहां पादपों में अगर गति की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है गति, सॉरी दिशा परिवर्तन। क्या होता है? दिशा परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे और एक एक शब्द को जान चुके होंगे। इसी के साथ इज्जत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे पुनः नए लेसन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट और भी बेहतर करते रहिए ताकि 99% मार्क्स के करीब आप पहुंच सके। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।